स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शल्पा रावत। कुछ लोग किस्मत लेकर पैदा होते हैं और कुछ अपने जुनून के बल पर किस्मत लिखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही भविष्य के चमकते सितारे के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कहते हैं बिना संसाधनों के सफलता नहीं मिल सकती। हम बात कर रहे हैं इंदौरी मिल्खा सिंह की। जी हाँ, कार्तिक जोशी को इंदौर में नाम से पहचानते हैं और इसी नाम से बुलाते भी हैं। रेगिस्तान की गर्मी से लेकर उत्तराखंड की बर्फबारी तक दौड़ लगाकर वो रिकॉर्ड बना चुके हैं। कार्तिक जोशी जब ट्रैक पर दौड़ते हैं तो मिल्खा सिंह की याद आती है। जानकर हैरानी होगी आपको, कार्तिक जोशी की उम्र मात्र 19 साल है और वो इस उम्र में हिंदुस्तान के 19 राज्यों की धरती पर अपने कदमों की छाप छोड़ चुके हैं। कार्तिक जोशी की सफलता की कहानी उनके घर की दीवार पर टंगे मेडल दे रहे हैं। हालात ये हैं कि मेडल रखने के लिए उनका घर भी छोटा पड़ रहा है। वहीं अगर रिकॉर्ड की बात करें तो कार्तिक जोशी ने बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन दौड़ में 39 घंटे में 262 किलोमीटर की दौड़ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टिकट हासिल कर लिया था। इसके साथ ही कार्तिक ने अहमदाबाद में हुई बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन में 17 घंटे में 114 किलोमीटर दौड़ लगाकर देश में पहला स्थान हासिल किया था। इसके साथ कार्तिक जोशी इंदौर में हुई बैकयार्ड अल्ट्रा में 21 घंटे में 141 किलोमीटर दौड़ लगाकर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जबकि बेंगलुरु में हुई मैराथन में 41 घंटे में 250 किलोमीटर अल्ट्रा में गोल्ड मेडल भी उन्होंने हासिल किया। और इसी इंदौरी मिल्खा की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अभी तक 100 से ज्यादा बार नेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, जिसमें से 25 बार उन्होंने मेडल जीता है। कार्तिक ने यह सफलता तब हासिल की जब उनके पास कोई कोच नहीं है, वो अभी तक सेल्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं अभी तक इंडिया के 19 स्टेट्स में रन कर चुका हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात। ऐसे जनवरी 25 जनवरी को बैकयार्ड अल्ट्रा हुई थी इंडिया में, गुरुगांव अरावली में हुई थी। तो उसमें मैंने 39 आवर्स में 262 किलोमीटर रन किया था और बैकयार्ड अल्ट्रा का गोल्डन टिकट मेरे को मिला था, जिसके लिए 17 अक्टूबर को टेनेसी में वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली थी। ड्यू टू कोरोना वो कैंसिल हो गई, तो उसको एज पर वर्चुअलिटी में उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया कि सभी कंट्री में अपने आप वापस वो इवेंट ऑर्गेनाइज हो और सभी को सैटेलाइट थ्रू उस इवेंट से कनेक्ट किया जाएगा। तो सुना आपने कार्तिक जोशी को, और ये इवेंट थोड़ा आगे कर लिया गया था अब, लेकिन वर्चुअली इवेंट जो है वो करवा गया। बहरहाल ट्रैक पर रिकॉर्ड तोड़ कार्तिक जोशी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ट्रैक पर फर्राटा भरने वाला ये स्प्रिंटर अब थकने लगा है। वजह है आर्थिक तंगी और सरकार की अनदेखी। ट्रैक पर उनकी और घर में उनके परिवार के संघर्ष की अलग ही कहानी है। इंदौरी मिल्खा का घर इतना छोटा कि मेडल रखने तक की जगह नहीं है। एक कमरे के घर में 5 लोगों का पूरा परिवार रहता है। किचन, बेडरूम से लेकर कार्तिक के मेडल सब एक जगह पर हैं। भाई बहन की पढ़ाई भी इसी छोटे कमरे में होती है। कोरोना काल में जहां पर कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो वहीं कार्तिक के पिता भी स्थिति जो है वो यही बनी हुई है। कार्तिक के पिता एक चाय की दुकान चलाते थे। चाय की दुकान से होने वाली आमदनी से ही 5 सदस्यों वाला परिवार चलता था, लेकिन कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने ओम प्रकाश जोशी के उस आय के साधन को छीन लिया। हालात ये हैं कि कार्तिक के पिता को अब ऑनलाइन शॉपिंग के एजेंट का काम करना पड़ रहा है। अलग अलग दुकानों पर कपड़े पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। कार्तिक ने प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद तक मदद की मांग की, लेकिन आज तक कार्तिक के हाथ खाली हैं। एक निजी कंपनी ने कार्तिक के टैलेंट को देखते हुए उसे स्पॉन्सर किया, लेकिन वहां से भी सिर्फ उतनी ही मदद हो पाती है जितनी कि अकेले कार्तिक को ग्राउंड पर दौड़ते वक्त लगती है। कार्तिक के जज्बे और मेहनत को देखकर हर कोई चौंक जाता है। बिना किसी कोच की मदद के खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कार्तिक और उसका पूरा परिवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सरकार और प्रशासन खुद आके आकर उनकी मदद करेंगे। सरकार मेरे को अभी कुछ मदद नहीं करती है। मैं 2-3 बार MLAs के पास भी गया था इंदौर के, बट मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे पापा मतलब पहले एक चाय की दुकान चलाते थे 10x10 की, जिसमें हम सभी रहते थे, और अभी जब से कोरोना लगा तब से वो शॉप बंद हो गई थी। और अभी पापा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेलिंग करते हैं, जैसे कि क्लॉथिंग, शू एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रेगुलरली बेचते हैं। उससे हमारी दिन की अर्निंग 300-400 रुपये होती है। और अब
फोकस है कि आप कुछ अच्छा कर पाए। हमारी फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो थोड़ा थोड़ा हम सहयोग मांगते थे कुछ लोगों से, जैसे जो सामाजिक संस्था है वो थोड़ा हमारा सपोर्ट कर देती थी, उससे इसकी दौड़ चलती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू को भी लिखा है, और MP के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया मैडम को भी लिखा है, अपने जगत मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी लिखा है, सांसद शंकर लालवानी जी को भी मैंने लिखा है। कुछ मिला अभी तक आश्वासन? नहीं सर, मुझे मदद तो नहीं मिली सर। तो इस वक्त हमारे साथ खुद कार्तिक जुड़ चुके हैं, कार्तिक जोशी, और उनके पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कार्तिक, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ, कैसे है कार्तिक आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। कार्तिक, खुश होता है दिल जब इस तरीके की चीजें सामने देखने को मिलती हैं और ऐसा इंटरेक्शन करने को मिलता है। खुद की मेहनत और खुद की ही वो सफलता, किसी और को उसका श्रेय इतनी आसानी से नहीं जाता। हालांकि माता पिता का जो रोल है वो जरूर रहता है, लेकिन कार्तिक कितनी मेहनत इस सब के पीछे लगती है? मैम, मैं एक मंथ में 1000 किलोमीटर के आसपास रनिंग करता हूँ और करीबन 1500 किलोमीटर में साइकिलिंग करता हूँ, और जिसमें मेरे को मतलब ऐसा रहता है, मैं इंदौर के बाहर रहकर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे अप हिल डाउन हिल पे माउंटेन एरिया में जाके प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है और प्रैक्टिस भी इजिली अच्छी हो पाती है। बिल्कुल कार्तिक, और ये जो आपकी मेहनत है वो नजर आती है, क्योंकि जैसे कि हम रिपोर्ट पढ़ भी रहे थे कि मेडल्स रखने तक की जगह नहीं है, इतना टैलेंटेड ये लड़का है। चलिए आपके पिताजी से बात कर लेते हैं, वो ज्यादा और बेहतर बता पाएंगे कितनी मेहनत आप करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जाहिर तौर पर ऐसा बेटा जिसका हो वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेगा, लेकिन कितनी मेहनत सर इसके पीछे लगती है, और खासकर आप जब कार्तिक को इतनी मेहनत करते हुए देखते हैं कि इंदौरी मिल्खा लोग उसे बुलाते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है और आगे भविष्य के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? सर मैडम, मुझे बहुत खुशी होती है, और सबसे पहले मैं न्यूज MP छत्तीसगढ़ का धन्यवाद करता हूँ जिसने गरीब बालक को उठाने के लिए पीड़ा उठाया है। कार्तिक सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक लगातार दौड़ता है, फिर शाम को 4 से 8 बजे तक लगातार दौड़ता है। हम इंदौर से 60 से 70 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेल रन करते हैं, रोड रन करते हैं, हिल रन करते हैं, माउंटेन एरिया को कवर करते हैं, जिसमें कार्तिक 30 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है, और हमारा पूरा परिवार इसके साथ सुबह 4 बजे ही उठता है। हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं, कार्तिक अपने काम में, मैं सुबह कार्तिक के साथ जाता हूँ, शाम को नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा एक बिजनेस है, अगर मैं एक दिन में नागा करता हूँ तो 300-400 रुपए का मुझे नुकसान हो जाता है। बिल्कुल कार्तिक, अक्सर जब भी हम इस तरीके की कोई कोशिश करते हैं, जिस तरीके के धावक आप हैं और जिस रफ्तार से आप दौड़ते हैं, कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आप दौड़ते हैं, ऐसे में अक्सर लोगों के पास कई बहाने रहते हैं, और अक्सर जब हम देखते हैं तो एक कोई खास व्यक्ति होता है, कोच जिसे कहा जाता है, जो कि आपको ट्रेन करता है इन सब के लिए, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए ट्रेन करता है। कभी आपको ऐसी जरूरत महसूस हुई एक कोच होना चाहिए जो आपको ट्रेन करे? मैम, मैं हमेशा खुद को समझने की कोशिश करता हूँ। मैम, मेरी थिंकिंग ये है कि क्या होता है ना, जब मैं अगर कोच को बताऊंगा कि मेरे को एग्जैक्टली इस पॉइंट में पेन हो रहा है, तो मुझे उसके हिसाब से कुछ बता पाएंगे, बट मैं जानता हूँ कि मेरी बॉडी में मुझे एग्जैक्टली कहाँ पेन हो रहा है, और मैं अपनी बॉडी की लैंग्वेज जानता हूँ कि जैसे अगर मेरे को कोच तो एक वीक पहले ही बता देगा कि तुमको क्या करना है, या सेम डे बता पाएगा, वो उनकी थिंकिंग के हिसाब से बताएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आज कितना कर सकता हूँ, क्या मैं आज 50 किलोमीटर रन करने के लिए कैपेबल हूँ, या मैं उससे ज्यादा रन करने के लिए कैपेबल हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं सेल्फ ट्रेन करता हूँ खुद को, और खुद का प्लान मैं प्रिपेयर करता हूँ कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन लेना है, कैसा प्रैक्टिस करना है, कहाँ प्रैक्टिस करना है और कब प्रैक्टिस करना है। कार्तिक, हम मतलब तीन फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हैं, डे नाइट और अर्ली मॉर्निंग। हम नाइट में 12 to 6 तक प्रैक्टिस करते हैं ठंड के मौसम में, जिससे मतलब जब हम आउटसाइड जाके प्रैक्टिस करें, मतलब इंडिया के बाहर जाके या इंडिया में ऐसी कोई अदर सिटी में जाके रन करें जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तो हमारे लिए रन करना इजी हो जाए, इसलिए हम रात को 12 से सुबह 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं ठंड के मौसम में। बिल्कुल कार्तिक, ये कोशिश आपकी तरफ से खुद सेल्फ ट्रेनिंग की रहती है, और वो सेल्फ ट्रेनिंग इतनी कारगर साबित हो रही है कि इतने मेडल्स मैं देख पा रही हूँ। आपकी फादर जो दिख रहे हैं उनके पीछे लगातार मेडल्स की लाइन यहाँ पर लगी हुई, और आपके पीछे भी ये तस्वीर देखकर अच्छा लगता है। कार्तिक, अभी तक
काफी कोशिशें आपकी तरफ से की गई, काफी मेडल आपने यहाँ पर जीते हैं, लेकिन स्टेमिना बहुत चाहिए होता है। जब आप दौड़ते हैं तो सबसे ज्यादा आपका स्टेमिना जो है वो वर्क करता है। कुछ खास स्पेशल ड्रिंक मम्मी पिलाती है आपको जो इतना दौड़ पाते हैं? नहीं मैम, हम क्या होता है मैम, जब अभी हमेशा एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम जब भागेंगे तो दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम है ना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि रन करने के पहले ही थोड़ा कुछ खा ले जिसके थ्रू हम रन करेंगे जब, तो उसकी एनर्जी का यूज किया जा सके। और जब हम रन करते हैं तो हम मेरे को पता होता है कि मेरी 350 या 400 कैलोरीज बर्न होगी हर घंटे, तो मैं उसको मतलब कोशिश करता हूँ कि हम उसको भागते वक्त एनर्जी ड्रिंक के थ्रू या कुछ ऐसी चीज न्यूट्रिशन की या हाइड्रेशन के थ्रू हम उसको लेते जाए, जिससे हमारी बॉडी रिकवर होते जाए और हम उसी एनर्जी का हर घंटे यूज करते हैं। बिल्कुल, यानी कि कार्तिक मैं समझ पा रही हूँ काफी बैलेंस कर आप चलते हैं, चाहे वो फिर न्यूट्रिशन लेने के लिए हो या फिर आपकी रनिंग प्रोसेस हो, और इसीलिए ये बैलेंसिंग जो है वो दिख रही है आपकी परफॉर्मेंसेस में भी और आपके अवार्ड्स में भी। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दिक्कतें जो हैं अक्सर सामने निकल कर आती हैं और जाहिर तौर पर आप भी ये चाहते होंगे कि सरकार अगर मदद करे तो कार्तिक जैसा होनहार जो बच्चा है वो काफी ज्यादा आगे जा सकता है। सर, कोरोना काल चला उसके बाद ये तंगी हमने देखी, लगातार किस तरीके से दिक्कतें लोगों को हुई, मैं आपसे भी एक बार जानना चाहूंगी ये कैसा फेस आप लोगों के लिए रहा और अभी कितनी मुश्किलें हैं अभी भी? मैडम, मैं छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ, 2-3 महीने कोरोना के कारण बेरोजगार था, फिर मैंने छोटा सा बिजनेस चालू कराया ऑनलाइन घर घर जाके सामान देने का, उसमें अभी कोरोना के कारण ज्यादा उठाव नहीं है तो 200-400 रुपए ही कमा पाता हूँ, जिससे घर की पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। तो उसके कार्तिक के अलावा एक भाई और एक बहन और मतलब टोटल 5 जने का परिवार है, तो घर में राशन और किराए के कमरे की पूर्ति करना भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो कार्तिक के लाइट की व्यवस्था उनको 5 इंच बकेट कर देती है और शूज की व्यवस्था कर देती है, तो कार्तिक की रनिंग चल रही है। लेकिन खर्चे बहुत होते हैं मैडम, हम सुबह 14-15 घंटे तक रोज काम करते हैं, जब हम 300-400 रुपए 500 रुपए कमा पाते हैं। ठीक, यानी परेशानियां हैं यहाँ पर, लेकिन होनहार है कार्तिक और निश्चित ही ये परेशानियां जो हैं वो कुछ ही समय की यहाँ पर होंगी। कार्तिक, सरकार की तरफ से क्योंकि टैलेंट आप में इतना कूट कूट कर रहा है, जाहिर तौर पर निगाह में आप आएंगे और निश्चित ही ये शो जरूर देख रहे होंगे जो लोग, उसके बाद मदद भी एक तरीके से आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए भी मिलेगी और तमाम और सपोर्ट भी उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन कार्तिक, कभी अप्रोच किसी ने सामने से किया मदद के लिए यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग को लेकर या फिर और आर्थिक तौर पर मदद के लिए? मैम, मेरे को इंदौर के कुछ एनजीओ है वो कभी कभी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मेरे को बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, तो जैसे कोई इक्विपमेंट हुआ उसको खरीदना है जिससे अच्छे मैं खुद को ट्रेन कर सकता हूँ, तो मुझे कभी कभी वो मतलब दिला देते हैं। और बाकी पाथ इंडिया लिमिटेड मेरा बहुत सपोर्ट करता है, जैसे मेरे को कोई रेस रन करने जाना है तो उसका आने जाने का किराया, वहां रहना, खाना पीना और रेस रजिस्ट्रेशन रन से लेकर सारी थिंग्स वो मुझे उस समय प्रोवाइड करा देते हैं, चाहे मुझे बाहर जाकर रन करने के लिए इजी हो। ठीक, कार्तिक, गोल क्या है आगे आपका, क्योंकि रनिंग के फील्ड में हम आपको देख पा रहे हैं कितने मेडल आप अचीव कर रहे हैं, आगे आपके लिए गोल क्या, आगे आपको क्या करना है इस फील्ड में? मैम, मेरे को 100 किलोमीटर में नेशनल रिकॉर्ड क्लियर करना है इस साल, मतलब 21 में, और एक इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्ट होना है जो 100 किलोमीटर की टीम होती है उसमें, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के लिए मेडल लेकर आना है 100 किलोमीटर। बिल्कुल कार्तिक, और इसमें कामयाबी भी आपको जरूर हासिल होगी क्योंकि कोशिश आप लगातार यहां पर करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्तिक थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कार्तिक के बचपन की बात अगर यहां पर की जाए, किस तरीके का बच्चा कार्तिक रहा है और इस तरफ कार्तिक का रुझान कैसे हुआ? और इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय साहब जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कैलाश जी, कार्तिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धावक हैं और कई मेडल जो हैं कार्तिक ने अपने नाम किए हैं। सर, लेकिन सरकार से मदद की दरकार है कार्तिक को? नहीं, सरकार भी मदद कर रही है और समाज भी मदद करेगा इसकी, क्योंकि हमने पिछले दिनों इसको बुलाकर इसका सम्मान भी किया था और हमारे यहाँ जो इंदौर मैराथन होता है उसका हमारा उसके माध्यम से हमने इनका सम्मान भी किया था और हम इसकी पूरी चिंता करेंगे। ये इंदौर का गौरव है, इंदौर की शान है और जब भी इन्हें कोई आवश्यकता होगी सरकार से भी करवाएंगे और हमें भी समाज की ओर से इसकी चिंता करेंगे।
बिल्कुल, यानी कि इंदौरी मिल्खा को मदद जरूर मिलेगी। हमारे साथ कार्तिक और उनके फादर दोनों बने हुए हैं। कार्तिक, आप क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी से, किस तरीके की मदद? और उसके बाद ओम प्रकाश जी, आप भी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि कैलाश जी खुद जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ज्यादा बेहतर है सामने आप बात कर लीजिए। नमस्कार सर, सर तो हर चीज में सपोर्ट है। सर कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ बेटा, बंगाल में हूँ जी। सर बस आपसे तो हमेशा ही मेरे को सपोर्ट मिलता रहा है। सर मेरा तो मतलब यही प्लान रहता है कि हमेशा बस आपसे जुड़े रहे और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते रहे। सर हमेशा मेरे को हर चीज के लिए सपोर्ट करते हैं, अगर मैं किसी भी चीज के रिक्वायरमेंट के लिए जाता हूँ तो सर की तरफ से वो फुलफिल हो जाता है। नहीं, जब भी कोई आवश्यकता होगी किसी भी प्रकार की, भी इंदौर का गौरव है हमारे लिए और हम वहाँ करेंगे तो अपने आपको सौभाग्यशाली समझेंगे, हम इसकी पूरी मदद करेंगे और पा रहे वर्ष। जी सर धन्यवाद। बिल्कुल ओम प्रकाश जी। जी सर, बच्चे पे बस आशीर्वाद बना रहे। हमारी थोड़ी आर्थिक समस्या है, जो कार्तिक को हम 30 से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर वो दौड़ के जब आता है तो घर इतना सा है कि ये जब सोता है तो पैर भी लंबे नहीं होते। वो इसको या तो कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट अच्छा जॉब मिल जाए जिससे कि इसकी जीविका चलते रहे, ये ट्रेनिंग करते रहे और वर्ल्ड में कोई अच्छा मेडल लेके आए। और अभी इसको जनवरी में इंडिया सिलेक्शन है, उसकी बहुत तैयारी कर रहा थी, 40 किलोमीटर रोज दौड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा इसको आराम भी मिल जाए, अच्छी रनिंग भी कर पाई है, इसी को सुविधा मिल जाए सरकार से। आपका तो सपोर्ट है, आप हमेशा हर समय सम्मान करते रहते हैं। मैं इसको किसी भी प्रकार की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, नीरज याग्निक से मिले, हम हमारी संस्था की ओर से इसकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, तो मदद जो है वो पूरी मिलेगी यहाँ पर, कैलाश जी खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। कैलाश जी, जब ऐसा बच्चा निकलता है प्रदेश से जो कि खुद सेल्फ ट्रेनिंग लेकर इतनी कामयाबी इतनी उपलब्धि हासिल करता है, तो सर फिर किस तरीके का गौरव जो है वो महसूस होता है? नहीं, बहुत गर्व की बात है, इस बच्चे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है इसके अंदर, और हम तो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और हमारा हमारा क्लब भी इसकी मदद करेगा और बाकी समाज से भी मदद कराने की आवश्यकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय साहब हमारे साथ जुड़े थे, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के, जो कि कह रहे हैं कि हर संभव मदद जो है वो यहां पर दी जाएगी और समय समय पर अब कोशिश उनकी भी रहती है कि जिस तरीके का बच्चा है कार्तिक, यानी कि जिस तरीके की कार्तिक में क्षमता है, वो क्षमता जो है वो निखरे और देश के काम भी यहां पर आए। कार्तिक, अभी आपकी उपलब्धियों की बात करते हैं, अभी तक कितने मेडल्स आपने जीते और किस किस तरीके की उसमें मेहनत लगी और कैसे कैसे वो सब रहा? मैंने अभी तक 100 से ज्यादा मेडल्स जीत चुका हूँ, जिसमें मैं मतलब पहली दूसरी और तीसरी पोजीशन पे आया हूँ, उतने में मैं 30 मेडल जीता हूँ, मतलब पोडियम्स में मैं 30 बार पोडियम में आ चुका हूँ। और इसके लिए मैम मैंने अभी तक मतलब मैं हर साल 7 से 8 हजार किलोमीटर में, मतलब एक स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मैं लेता हूँ जी मैम। और मैम उसके अलावा मैं साइकिलिंग भी उतनी ही करता हूँ, मतलब 1500 किलोमीटर हर मंथ साइकिलिंग करता हूँ, और फिर उसके लिए मेरे को दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ती है, मतलब कैसा कि अगर हमारा नाइट फॉर्मेट आ रहा है तो उनको नाइट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगी, डे का फॉर्मेट आ रहा है तो डे के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे बैंगलोर में गर्मी रहती है तो मेरे को दिन में 11 बजे के बाद प्रैक्टिस करना पड़ती है बैंगलोर के लिए, मुंबई के लिए दिन में 11 बजे के बाद प्रैक्टिस करना पड़ती है, और उसमें उसी टेम्परेचर में प्रैक्टिस करने के बाद वापस जाके रन करना थोड़ा तो ट्रिपिकल होता है, बट हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कोई ट्रेल रन होता है तो मेरे को इंदौर के आउटसाइड जाना पड़ता है, जैसे जानापा वाचू पॉइंट, ऐसे जो बड़े बड़े हिल एरिया है। वापस कार्तिक आपके पास लौटती हूं। शंकर लालवानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं। शंकर लालवानी साहब, बहुत स्वागत आपका अजीम उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक होनहार बच्चा आज हमारे साथ मौजूद है, कार्तिक जोशी, जिसे इंदौरी मिल्खा भी कहा जाता है। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं ये, क्योंकि सेल्फ ट्रेनिंग खुद ली है और मेडल्स की ऐसी झड़ी लगा रखी है, यहाँ पर फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, साफ नजर आ रहा है, लेकिन मदद समय समय पर मिलती रहे या फिर ये है कि नजर जो है इस बच्चे पर पड़े तो शायद फिर ये देश के लिए भी वो बहुत कुछ कर पाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि बहुत सारे मेडल मिले हैं और उज्जवल भविष्य है, इंदौर शहर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन जो इनके साथ जो मदद की आवश्यकता है वो हम सब मिलकर करेंगे ताकि किसी प्रकार की तकलीफ का ना हो। ठीक, मदद सर कैलाश विजयवर्गीय साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी लगातार कह रहे थे कि मदद जो है वो जरूर यहां पर मिलती रहेगी और समय समय पर वो करते भी हैं। कार्तिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। कार्तिक, शंकर लालवानी साहब हमारे साथ बने, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम सब आपके साथ हैं।
आप कभी भी हम इस बात के लिए हम सब साथ में खड़े हैं। बिल्कुल शंकर लालवानी साहब, यानी कि ये कहा जाए ऐसा टैलेंट जब प्रदेश में से उभरेगा तो फिर सरकार पूरी कोशिश करेगी यहाँ पर उसके लिए कि वो और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नजर आए। बिल्कुल सरकार करेगी, हम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं अब। कार्तिक के पिताजी हैं। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल पहले छूट गया था आपसे, कार्तिक के थोड़े बचपने की तरफ चलते हैं। शुरुआत से कार्तिक कैसा बच्चा रहा है और इस तरफ रुझान उसका कैसे हुआ? इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, वो सेल्फ ट्रेनिंग ले रहा है और सेल्फ ट्रेनिंग के बाद हम ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि कितना मेहनत उसने की है और उस मेहनत में उसे कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। मैडम, मैं शुरू से ही एक छोटा सा शॉप चलाता था, चाय का दुकान। तो उसके लिए हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था सामान लाने के लिए। तो 200 मीटर या 500 मीटर दूर की दुकानें होती थी जो सिर्फ थोक सामान बिकता था, वहां से वो दौड़ के जाके थोक सामान लेके आता था। तो चाय बनाने के लिए दूध वगैरह सामान वगैरह लगता था, तो वो थकता नहीं था। हम लोग जैसे तो 100 मीटर भी दौड़ते तो थकान में सांस फूलने लगती थी, पर कार्तिक में ऐसा नहीं था। कि कार्तिक ने हमारे दुकान के सामने पीटीसी ग्राउंड है जहाँ देश के जो पुलिस रहते जो मतलब ट्रेनिंग के लिए आते थे वो दौड़ते थे, उनको देख के कार्तिक ने वहां जाके बैठने लगा कि ये कैसे दौड़ते हैं। तो जो तेज दौड़ते थे वो जल्दी बैठ जाते थे, और जो धीरे धीरे दौड़ते थे तो वो बहुत लंबे समय तक दौड़ते थे। तो कार्तिक ने फिर अल्ट्रा मैराथन को चुना जो लॉन्ग डिस्टेंस की होती है, जैसे अभी कार्तिक ने 262 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 220 किलोमीटर और इंदौर से भोपाल नॉन स्टॉप प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर के स्वच्छता के लिए युवाओं को कुछ प्रेरणादायक करना चाहिए, तो कार्तिक ने इंदौर से भोपाल नॉन स्टॉप स्वच्छता का संदेश देने के लिए 200 किलोमीटर दौड़ लगाई थी। और स्वच्छता के लिए इंदौर की 69 वार्ड में आज से 2 साल पहले हर दिन 21 किलोमीटर, करीबन एक माह में 651 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी और स्वच्छता का संदेश दिया था। बिल्कुल, यानी कि ये शुरुआत इस तरीके से रही ओम प्रकाश जी, और ये अब एक पैशन जो है कार्तिक का बन गया और फ्यूचर भी कार्तिक इसमें ढूंढ रहे हैं और निश्चित ही फ्यूचर काफी ब्राइट होगा क्योंकि कार्तिक की जो सफलता है वो नजर आ रही है उसके मेडल्स के जरिए यहाँ पर। कार्तिक, बेस्ट विशेष आपको आपके फ्यूचर के लिए, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं सरकार की तरफ से आपको हर संभव जो मदद होगी वो निश्चित ही मिलेगी। और ओम प्रकाश जी का जैसा नाम है, प्रकाश उनका बेटा जो है वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है, अपने पिता का नाम इसी तरीके से आप रोशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कार्तिक आपका, प्रकाश बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।